बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनाऊंगी नए तरीके से सब्जी जो आप लोग को देख रहे। इस तरह से आप मोटे शिमले मिर्च को आप बड़े साइज का लें और इसे इस तरह से कट करें, देख सकते हैं इसी तरह से बड़ा मोटे मोटे कट करें तभी इसको फील करने में अच्छा लगेगा। प्याज को भी आप इसी तरह से कट कर लें, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। इस तरह के जो बीज के बीज जो होते हैं उसे आप इस तरह से निकाल लें। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा इस तरह से, न्यू स्टाइल में मैं बता रही हूँ शिमला का की सब्जी, जिसे आप आसानी से इसे आप कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं। मैंने सबका निकाल लिया है बीज इस तरह से। इधर मैंने छोले उबलने के लिए रखे थे, इसे मैंने हल्के से मसाले से डाल करके तो पहले मैंने उबाल लिया है। एक कटोरी मैंने इस कटोरी से मैंने छोले लिए थे, तो इसे चलिए हम लोग इस तरह की कटोरियों से इसे दबा लें या आप बड़े बाउल में इसे डाल लें, इससे आपको दबाने में बहुत ही आसानी होगी। मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। टमाटर को भी कट कर लिया है, इधर छोटे छोटे स्लाइस में आप इन दोनों को कट कर लें। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कटोरी की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से पूरे बराबर से मिक्स कर लें, तो उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं उधर मसाले मैंने रखे हुए हैं, आप इसमें टमाटर जो कट करके रखे हैं उसे आप इसमें ऐड कर लें, जिससे ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने स्लाइस के रूप में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को कट कर लिया है, आप भी इसमें प्याज डाल लें। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है ये रेसिपी। इसमें थोड़े से मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, छोले में बहुत कम मसालों का यूज किया था। यहाँ आमचूर पाउडर मैंने आधी चम्मच के लगभग लिए हैं, मिर्ची पाउडर है, सब्जी मसाला मैंने एक चम्मच के लगभग लिया है, थोड़े से मैंने आधे चम्मच के लगभग मैंने नमक लिए हैं। इन सबको मिक्स कर ले अच्छे से, इस तरह से मिक्स कर ले। आप छोले की जगह आप चाहें तो मटर ले सकते हैं, उबला हुआ आलू ले सकते हैं, इन सब मिला करके बहुत ही टेस्टी और यम्मी। इधर मैंने पैन भी चढ़ा दिए हैं गैस पे गर्म होने के लिए, गर्म हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग आप तेल डाल करके इसे गर्म कर ले। उसके आप इस तरह से शिमला को एक एक इस तरह से डालते जाएं, इसके ऊपर से आप बस मैंने तेल डाल लिए हैं, पूरे डाल करके सब आप बीच बीच में फील करते जाए इस तरह से धीमी फ्लेम रखें। बिल्कुल नया स्टाइल का मैं शिमला इस तरह से सब्जी बनाएंगे, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। वैसे मैं पूरे को डाल लेती हूँ, फिल कर लिए हैं इसी तरह से आप फिल कर लिए और इसे 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके आप पकाए, जिससे ये इस तरह से फ्लेम को बिल्कुल भी तेज ना करें, धीमा फ्लेम पर ही रखें। तो चलिए मैं इसे पका लेती हूँ इसी तरह से, देख सकते हैं। जब आप इसे हटा दें ढक्कन को और इसको हल्के हल्के इस तरह से आप पलटें स्पून की सहायता से रख सकते हैं इस तरह से आप इसे अच्छे से पलट लें। तो चलिए मैं इसे इस तरह से पलट लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होगा। फिर इसे आप फिर से इसे ढक दें, तेज फ्लेम ना करें नहीं तो ये अंदर कच्चा रह जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आप भी इसे देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी ये बन करके तैयार है। आप इसे लंच में ले जा सकते हैं, घर पे सर कोई मेहमान है तो आप तुरंत बनाइए और नए तरह के बना करके आप शिमला मिर्च का इस तरह का डिश खिलाइए। थैंक यू। आप लोगों का कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।